200 ग्राम के इसमें मीवी के ड्यूल पॉड्स वाले ईयरबड्स हैं और आपका लेफ्ट या राइट वाला ईयरबड वर्क नहीं करता है जब आप उसको अपने फोन साथ पेयर करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है, आज मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो आपको इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा, पहला कि अगर आपको भी चार्जिंग में समझ नहीं आ रहा है कि ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और ये पावर ऑफ कैसे होंगे, वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, जो लेफ्ट और राइट ईयरबड वाली प्रॉब्लम आती है उसका रीज़न क्या होता है और उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ चार्जिंग का कैसे वर्क करता है। तो मीवी या अगर आपने किसी और भी ब्रांड के ईयरबड्स देखे तो उनमें होता क्या है, अगर मैं इसको केस को ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दो रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। तो यूजली होता क्या है चार्जिंग का, अगर आपको दूसरे ब्रांड के भी आपने ईयरबड देखे, जब भी आप उनको अपने केस में वापस रखते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है या रेड कलर की लाइट या किसी भी कलर की, और उससे आइडिया लगता है कि अभी चार्जिंग हो रहे हैं। मगर मीवी के केस में इस वाले में कुछ उल्टा है, उसमें ये है कि जब आप केस में ईयरबड्स को रख देंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जलेगी ईयरबड्स में, अगर आप देख भी पा रहे हो तो इसका मतलब है ईयरबड्स अभी चार्ज हो रहे हैं, और केस को बंद कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये ना समझे कि ईयरबड्स चार्ज नहीं हो रहे हैं, इस वाले मॉडल में ये चीज़ है कि केस में जब रखा हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करे तो उसका मतलब है ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं, और ये जब ईयरबड्स फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये वाली जो यहाँ पे लाइट्स है वो एक बार इंडिकेट करेंगी, मतलब एक बार ब्लिंक करेंगी और फिर ऑफ हो जाएंगी कि आपके ईयरबड्स चार्ज हो चुके हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये जानना कि आपके ईयरबड चार्ज कर रहे नहीं कर रहे, आपको और बार केस ओपन करके देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अभी भी ये चार्ज कर रहे हैं। ये बाहर के इंडिकेटर कभी भी लगातार नहीं चलते, बट आपने बाकी ब्रांड्स के ईयरबड देखे होंगे उनमें होता क्या है, जब भी आपके ईयरबड्स फुल चार्ज हो रहे होते हैं 50% 80% या फुल चार्ज जो भी है तो यहाँ पे वो इंडिकेट करता है, मगर मीवी के केस में ऐसा नहीं है। तो आप देखें अभी भी ये चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको आइडिया लगाना है कि आपके फुल चार्ज हुए या नहीं हुए, आपको केस खोल के देखना पड़ेगा। ये चार इंडिकेटर बस यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करेंगे कि कितना बैटरी परसेंटेज केस वगैरह में बचा है। तो जैसे आप देखेंगे ये एक बार अभी मैंने रख दिया, अब मैं फिर से इसको डालूं ईयरबड्स को वापस केस में, तो एक बार ये लाइट चारों ब्लिंक हुई, क्योंकि मेरे केस में अभी फुली चार्ज हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे चारों लाइट एक बार ब्लिंक हुई और ईयरबड्स चार्जिंग केस में रखने का चार्जिंग में चले गए। तो अभी इनके जो बैटरी परसेंटेज है वो 90% है, क्योंकि मैंने इनको अभी फोन के साथ पेयर करके चेक किया था, तो इसमें 10% ही बैटरी चार्ज होनी है। और अब इसको बंद कर दूं तो यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, ना ही आपको भी आइडिया लग पाएगा कि 10% बैटरी चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। आपको हर बार देखना पड़ेगा ओपन करके कि ये चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये तो चार्जिंग का था। दूसरा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपने ईयरबड्स को बाहर रख दिया इस तरीके से, तो बाकी ईयरबड्स में होता क्या है, अगर आप उनको 5 मिनट या 10 मिनट तक यूज़ ना करें तो आपके ईयरबड्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। बट मीवी के इस वाले ब्रांड में ये वाली प्रॉब्लम है कि ये ईयरबड्स ऑफ नहीं होते हैं। मैंने इनको एक दिन तक बाहर केस के रखे छोड़ा इस तरीके से, और अपने फ़ोन से भी पेयर नहीं करके रखा था, तब भी ये पेयरिंग मोड में ही थे। आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है जो इंडिकेट करती है रेड और ब्लू कलर की कि ये अभी पेयरिंग मोड में है दोनों ईयरबड्स। तो अगर मैं इनको रात भर बाहर भी रखूं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होते, ना ही इनको ऑफ करने का कोई दूसरा तरीका है। बाकी वालों में ईयरबड्स में होता क्या है, अगर आप इनके टच कंट्रोल जो ये वाला एरिया है इसको 2 या 5 सेकंड तक टैप करके रखें, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल टू मॉडल ब्रांड टू ब्रांड, तो ये ऑफ हो जाते हैं और एक साउंड भी आता है कि और ईयरबड्स टर्निंग ऑफ करके। बट इस केस में मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, आप इनको ऑफ नहीं कर सकते। अगर मैं इनको रात भर भी ऐसे रख के छोड़ूं या आप भी इसको रख के छोड़ें तो ये ऑफ नहीं होंगे। तो अगर आपको भी डाउट रहता है कि यार मेरे ईयरबड्स ऑफ क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मीवी के केस में ऐसा नहीं है, ये ऑफ नहीं होंगे। अगर आपको ऑफ करना है तो आपको ईयरबड्स को आप वापस केस में ऐसे रखना पड़ेगा। आप देखेंगे जो यहाँ पे रेड ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही थी वो ऑफ होके रेड कलर की जलना शुरू हो जाएगी। आपको इस तरीके से दिखाऊं, अब ये रेड कलर जल रही है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ये चार्जिंग मोड में चले गए और ये अब ऑफ हो जाएंगे जब फुल चार्ज हो जाएंगे। तो ये है इसका ऑफ का करने का सीन। अगर आपको ऑफ करना है तो आपको केस में ईयरबड्स को वापस रखना पड़ेगा, अगर आप बाहर रख के छोड़ेंगे तो ये ऑफ नहीं होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो मैंने आपको कहा कि लेफ्ट या राइट वाले ईयरबड की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो मीवी के केस में आपको एकदम चीज क्लियर कर दूं, जब भी आप ईयरबड्स को अपने फोन के साथ पेयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा, जैसे भी देखेंगे मैंने इसको बाहर निकाला, तो ये आपस में पहले पेयर होते हैं। तो कंपनी ने भी अपनी वेबसाइट पे या अपने मैनुअल पे मेंशन कर रखा है, जब भी आप ईयरबड्स को उसके केस से बाहर निकालें दोनों ईयरबड्स को 3 सेंटीमीटर की दूरी से कम में रखें, मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी इतनी होती है तो दोनों ईयरबड आपस में एकदम आसपास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यूं करके रख दिए और आप इनको अगर पेयर करेंगे तो होगा क्या, आपका राइट वाला ईयरबड पेयर होगा या लेफ्ट वाला। इस केस में जैसे अगर मैं वापस को रखूं और आपको अपने फ़ोन के साथ पेयर करना है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इनको ओपन किया और दोनों ईयरबड्स को साथ रखना है। अगर आप साथ नहीं रखेंगे
तो आपके ईयरबड्स आपस में पेयर नहीं होंगे, और जब आप अपने ईयरबड्स को अपने फ़ोन के साथ पेयर करेंगे तो इनमें लेफ्ट और राइट वाली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, जो यूजली हर एक ब्रांड में होता है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल ये है, जब भी आपको अपने ईयरबड्स को पेयर करना है तो दोनों को साथ रखें। अगर आप इनको ऐसा दूर कर देंगे और अपने फोन के साथ पेयर करेंगे तो होगा क्या, या तो लेफ्ट वाला ईयरबड पेयर होगा आपके फोन के साथ या राइट वाला। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।